अनदर एक्साइटिंग डे एट 104.8 इश्क एफएम, और यहां से हम फेस्टिविटी की शुरुआत एकदम अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ है Folktronic duo Hari and Sukhmani. Welcome to the show. Thank you guys. Thank you. Thank you. क्या चल रहा है? Fog. Fog चल रहा है. Fog चल रहा है. Fog चल रहा है. फिलहाल तो traffic चल रहा है. Oh, okay. गुड़गांव से आने में. Yeah. कितना time लगा? You were talking about it washroom में मैंने. Yeah, 1 hour 20 minutes or something. बहुत कम है. नहीं, बट रास्ते में जो लोग मिलते हैं ना, जिनको अच्छे फूलों वाले शब्द दिए जाते हैं. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. एक गाड़ी हमारे साथ जा रही थी, एमजी की, लाल रंग की, वेरी डिस्टिंक्ट रेड कलर. और इन दोनों की रेस चल गई, मतलब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और अंदर ही अंदर गालियां निकल रही हैं. ये देखो, ये काट रही है. पता चला कि वो भी दैट्स आल्सो लेडी ड्राइवर, यू नो. सो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो ए पॉइंट आया जब दोनों ऑलमोस्ट, मतलब गाड़ियों की टक्कर होगी. तो दोनों ने खिड़कियां नीचे की, मैंने देखा की उन्होंने भी नीचे की, उन्होंने भी, पता चला दे नो ईच अदर यार. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आने वाली है. सो क्या होता है ना कि जब शादी ब्याह का सीजन आने वाला होता है तो सहालक जिसको कहते हैं, तो पंडितों से मुहूर्त निकलवाते हैं कि भाई कब शादी हो रही, कब हो रही. ऐसा आप लोग भी करते होंगे क्योंकि शादी वाला सीजन. Any day is a good day, यार. जब आपका मन करे हम पहुंच जाएंगे. और celebrities की शादी के लिए do you wait? Do you, ऐसा होता है? Of course, यार. Of course, किसकी शादी के लिए सबसे ज़्यादा excitement था? Actually, पता है क्या, विकी कटरीना की शादी जो उन्होंने इतना उसके अराउंड खुफिया लाइक बता नहीं रहे थे कब है, क्या है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो हमें एक्चुअली बाय चांस पता लग गया. नहीं तो हमें भी नहीं पता लगना था कि हम उनकी शादी पे परफॉर्म करने जा रहे हैं. वाह, ये इनफैक्ट मेरे क्वेश्चन का पार्ट होने वाला होता था कि कैसे आप लोग के पास क्या बताते हैं कि मतलब जब कॉल आता है और जब आप वहां पर पहुंचते हैं और आपको लगता है कि ओह माय गॉड, ये आलिया और रणवीर की शादी है, या फिर या क्या रहा. बेसिकली बीच में बुकिंग एजेंट्स होते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि कौन किसने बुक किया है. नॉर्मली हमको पूछना पड़ता है कि क्लाइंट कौन है. जिसके लिए हम लोग वी आर गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग विद देम, तो पता तो होना चाहिए कि यार फैमिली कौन है, एटलीस्ट उनको जाके मिले, हेलो हाय करें. तो यहाँ पे एक्चुअली हमें इनसाइड किसी समवन एल्स हु वाज आल्सो एट द वेडिंग, उन्होंने हमें बताया कि वी आर सीइंग यू एट कैटरीनाज वेडिंग. फिर मैंने सबको फोन किया, मैंने कहा लिसन, ये सो एंड सो डेट पे हम कहाँ जा रहे हैं. कहते जी जयपुर जा रहे हैं, फिर वहां से रणथंभौर जाना है. आई एम लाइक गेस हूज वेडिंग इट्स गोइंग टू बी. तो फिर हमें पता लगा कि विकी कटरीना की शादी पे हम लोग जा रहे हैं. तो ऐसा भी होता है कि एनडीए साइन करवाते हैं? एनडीए भी होता है. या कैमरास अलाउड नहीं रहते, जैसे फंक्शन पे आप एंट्री कर रहे हो तो फोन्स वगैरह यू नो सील कर देते हैं बैग में, सील करके लॉकर में डाल दिए फोन, समथिंग लाइक दैट. इनफैक्ट सिड और कियारा की वेडिंग पे तो उन्होंने बैग्स हमें, फोन हमें दे दिए लेकिन बैग में लॉक करके. इट वाज अ सी थ्रू बैग, बट मुश्किल से यू कैन इवन सी कि कॉल कौन कर रहा है आपको. एंड इफ यू नीड टू रीच योर टीम की यू नो व्हाट्स द सिनेरियो, इट्स हार्ड टू कॉल देम इवन. No, but it depends. Like we performed for the Ambanis also. वहाँ पे it was quite normal. बस वहाँ पे 3 COVID test करने पड़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं. That's true. Apart from weddings and all, yeah. Folk and on behalf of every folk song lover या folk जो हमारी विधा है lover. मैं आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे और चाहूंगी आप दोनों को. बहुत ही कमाल के सॉन्ग, स्पेशली जो नया सॉन्ग है मधानिया. थैंक यू. व्हाट अ रेंडिशन, बहुत ही खूबसूरत. तो कैसे उसकी जर्नी क्या है, कैसे आया थॉट
सोचा आपने इसके बारे में? अब याद नहीं है कि वाई वी चोज मधानिया, बट आई गेस एक वो कुछ गाने होते हैं ना जो आप बचपन से गाते आ रहे हो या बचपन से सुनते आ रहे हो, तो मधानिया इज़ बीन अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट. आई थिंक इट्स अ क्विंटेसेंशियल फोक सॉन्ग, यू नो, पंजाबी फोक सॉन्ग. राइट. या और ट्यून भी बहुत ब्यूटीफुल है, गाना बहुत ब्यूटीफुल है. हायो मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जमिया किनाने ले जानिया, बस इनफ सेड, यू नो, दैट लाइन इज ओनली इनफ. उसकी जो स्टोरी है दैट इज सच सो डीप रूटेड इन आवर कल्चर, यू नो, बिकॉज़ हमारे कल्चर में ऐसे है ही कि लड़की पैदा होती है एक फैमिली में एंड देन शादी करके देन शी गोज टू अनदर. आई मीन ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बट यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्ड डेज दैट वाज रियलिटी. सो एंड द वीडियो इज ब्यूटीफुल. इन फैक्ट मतलब जो स्टोरी है वो तो है ही, जो गाना है, गाना अपने आप में एक फील है, एक वाइब है. द स्टोरी, हाउ डिड द टीम कम टुगेदर, हाउ डिड यू गाइज लाइक फ्रॉम प्रोडक्शन टू वीडियो एवरीथिंग? सो यू नो, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू आवर फ्रेंड्स एट दिल्ली विंटेज को. ओके. दे मेक अमेजिंग क्लोथ्स, इंडियन वेयर, एंड हमें उनके कपड़े बहुत पसंद हैं. तो हम उनके स्टोर में जाके बैठे हुए थे उन्हीं के साथ कि सीज़न आ रहा है, कपड़े लेने हैं, शूट करना है. अभी हमने वी डोंट हैव अ फोटोग्राफर, वी डोंट हैव अ वीडियोग्राफर, बट हमने कपड़े चूज करने शुरू कर दिए थे बिकॉज़ वी लव फैशन. तो हम जाके वी आर लाइक वी आर गोइंग टू वेयर दिल्ली विंटेज को के कपड़े फॉर दिस शूट. तो हम वहाँ पे जाके बैठ गए. कहते जी शूट कौन कर रहा है, स्टाइलिस्ट कौन है? वी आर लाइक अभी कुछ नहीं पता. तो देन एज वी वर डिस्कसिंग, हम अपने आइडियाज उनको बता रहे थे, तो उन्होंने हमें एक फोटोग्राफर का नंबर दिया, मिस्टर मनोज जाधव, ही इज फ्रॉम बॉम्बे. ओके. एंड उसी टाइम उनको फ़ोन लगाया और बात की, एंड इट जस्ट लाइक इट वॉज जस्ट बाई फ्लूक. ओके. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गाय इज ही इज नॉट पंजाबी. उनको हमने गाना भेजा, गाने उन्होंने गाने की मीनिंग्स मांगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, इंग्लिश में पूरा हमने मीनिंग लिख के भेजा उनको, मीनिंग्स भेज दिए उनको. जब हम उनको बॉम्बे मिलने गए ना, उन्होंने ऑलरेडी एक मतलब वीडियो का डेमो वीडियो बना दिया था, वीडियो का लाइक जैसे मोंटाज बनाया था व्हिच एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड द सॉन्ग, यू नो, एंड मतलब जिस लेवल ऑफ वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनलिज्म दैट पर्सन शोड, इट वाज ऑलरेडी, मतलब हमें लगा कि हाँ ये अच्छी डायरेक्शन में जाने वाला है, यू नो. तो हमने आंख बंद करके बेसिकली उन पे सारा प्रोजेक्ट छोड़ दिया. अब ये प्रोजेक्ट आप हैंडल करो, आप शूट करोगे. वी लव द ट्रांसलेशन यू हैव शोन अस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. या सो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था, वैसे आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, इस बीच में आप सब कर सकते हैं, तो योगी कंठिका एक एक हम लोगों को खिलाई गई क्योंकि इंटरव्यू में बात बहुत ज्यादा करना है. और अब मेरी योगी कंठिका जाकर फाइनली खत्म हुई. आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द योगी कंठिका इन माय माउथ. मी टू, आई वाज ट्राइंग टू चबाओ इट अपने ही कप खत्म हुई कैमरा में ना. सो या वैसे आप ऑल थैंक्स टू यू. क्या 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 चल रहा है योगी कंठिका? हां तो ठीक है, वो सब तो ठीक है. योगी कंठिका कब खत्म हो रही है? इट्स ट्रू. सो जैसे आपने बताया ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कपड़े डिसाइड कर रहे थे और तब तक शूट के बारे में नहीं पता था. सबसे वियर्ड स्टोरी, सबसे वियर्ड ओरिजिन स्टोरी आपके किसी भी सॉन्ग की क्या रही है? यही वाली रहेगी या किसी और सॉन्ग की? ये मतलब अचानक यू ये किस लाइन में चला गया, आपने सोचा भी नहीं? एक्चुअली ये गाना किसी और ने शूट करना था, कहाँ से क्या हुआ एंड रिजल्ट, मतलब आई डोंट नो, लाइक समवन एल्स वाज सपोज्ड टू शूट इट. ओके. And then he got busy. Okay. And in fact, our friend only, the wedding filmer, he's like India's number one wedding videographer. Okay. So we were like, "Yaar, tumse better aur kaun ho sakta hai?" But unki dates fir beech mein miss ho gayi. Okay. But and I think जो चीज़ होनी होती है वो हो ही जाती है. So as a अगर उस तौर से देखा जाए तो life is full of surprises, you know. Right. So and full of weirdness. Yes. you yeah, know, yeah. उसको आप positively ले सकते हो, negatively ले सकते हो, just depends. You like know? For us, outcome really... क्या है? मेरे को हमेशा यही मानना है कि result क्या है, end yeah. result. Yeah. Yeah. वो बेहतरीन होना चाहिए, चाहे वो हो चाहे जैसे. No, it's been a positive yeah. experience. I think हमारे लिए journey अच्छी होनी चाहिए. Yeah. You know, at the end of the day, result positive हो ना हो, but you have a good journey in life. उससे ज़्यादा important क्या हो सकता है? So already Madhaniya is out and काफी प्यार
काफी कमाल का रिस्पांस रिसीव हुआ है. कोई एक ऐसा रिस्पांस जो आपके दिमाग में ऐसे स्टिक कर गया हो कि ओ ओ ओ एक्चुअली ओके रिस्पांस है ये यू आल्सो से आंखों में आंसू आ गए कि हर समथिंग और द अदर कुछ पुराने जमाने का अच्छा आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग बट मेरे को देख रहा है मैं अपना वाला बता रही हूं तो किसी ने कमेंट किया है पता नहीं यूट्यूब पे है इंस्टाग्राम पे कहाँ है आई डोंट नो बट आई जस्ट रेड दिस कमेंट कि किसी ने लिखा है कि एटलीस्ट यू शुड हैव कवर्ड योर चेस्ट टू द एक्टर ओके कि यू शुड हैव कवर्ड योर चेस्ट आई वुड नेवर गो इन फ्रंट ऑफ माय बाबुल लाइक दिस शी इज वेयरिंग अ लहंगा चोली आई मीन शी इज लाइक ड्रेस्ड अप लाइक अ टिपिकल ब्राइड यू नो एंड This person's written at least you should have some respect and you should cover your chest. And I'm like, क्या बोले ऐसे लोगों को? मतलब you got to be very very judgmental to see that thing in that video because otherwise the video is beautiful and आप सोचोगे भी नहीं उस बारे में आप देखोगे भी नहीं and it was not done very judgmental अगर आप देख रहे हो इतना revealing है भी नहीं I feel and I feel कि इस बंदे की इस लेडी की मेंटालिटी में थोड़ा सा यू नो पता चलता है कि व्हाई डज शी नीड टू कवर हर स्किन इन फ्रंट ऑफ हर फादर व्हाई व्हाट डू यू थिंक योर फादर इज गोना लाइक लुक एट यू एज यू नो आई मीन आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ गंद इन पीपल्स माइंड्स एंड दे नीड टू रियली गेट ओवर इट यार शादी ब्याह में भी वो आंटी होती है ना ढक लो बेटा ढक लो ये सब हाँ वो वाला है सो यू सीम लाइक अ पर्सन कि अगर वो बंदी सामने होती तो मतलब हो जाती है मतलब कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ बट मैंने कहा कुछ भी नहीं बिकॉज़ डिड यू से एनीथिंग नो आई डिडंट यू डिड नॉट सोशल मीडिया पे तो कुछ नहीं कहना चाहिए आजकल यस नहीं तो वॉर शुरू हो जाएगी उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा फिर सब बट इट्स इंटरेस्टिंग फॉर अस बिकॉज लाइक थोड़ा बहुत मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है कॉलेज में सो लिटिल बिट नेचुरली मेरे को आई गेट इन टू दैट स्पेस कि अच्छा दिस इज वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम इनका माइंड सेट ऐसा है कि मेन के सामने औरत को ढके रहना चाहिए दैट्स द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस शी हैज बीन टॉट ग्रोइंग अप दैट मीन्स द काइंड ऑफ मेन दैट शी इज बीन अराउंड Maybe they are cheap people, yeah. I don't know. Maybe that's the kind of mentality they have. Probably, yeah. Or maybe they have been around these kind of people. I don't know. But मुझे लगता है कि get over it. world has moved on. Yeah. So you're still looking for that comment. Yeah, बहुत beautiful था वो comment. Something about her past. फिर उनके आँखों में आँसू आ गए. अच्छा मैंने नहीं पढ़ा. मैंने miss कर दिया. Then I think we shared it with our team also. Okay, so. काफ़ी ऐसा हैप्पी हैप्पी चैपी चैपी रहता है सॉन्ग्स भी बड़े प्यारे से हैं लेकिन आप लोगों में आपस में कभी लड़ाई होती है लाइक क्रिएटिव डिफरेंस ऑल द टाइम है ऑल द टाइम लाइक इस गाने को लेकर हुई मधानिया नहीं ओके ये दिस इज वन ऑफ लाइक आवर ओल्डेस्ट सॉन्ग्स शुरू में बिल्कुल शुरू में बनाया उस टाइम में 2008 में हम मिले एंड आई थिंक दो हफ्तों में हमने 10 गाने बनाए आठ गाने एंड हमने फिर एक ऑडिशन दी चंडीगढ़ में एक लाउंज बार में और उन्होंने हमें हायर कर दिया कि हफ्ते में 3 बार वहाँ आके परफॉर्म करना है सो इट वाज दैट वाज द सिचुएशन सो उस टाइम में जैसे वी मेड दी सॉन्ग्स इन अ वेरी सिंपल वे इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे मतलब आइडिया इज कि हम उसका गाने का जो एसेंस है वो हमेशा रखते हैं सो आई थिंक बोथ ऑफ अस वी वर्क ऑन अ वेरी वाइब काइंड ऑफ सिचुएशन यू नो गाने में अगर वाइब है बेसिकली एनर्जी फ्लो होनी चाहिए अगर फ्लो नहीं हो रही है तो हम वो गाना भी रोक देते हैं फिर हम बैठे रहते हैं गाने के साथ छोड़ दो अब जब दोबारा होगा तो होगा When the universe comes together. तो बहुत ऐसे गाने हैं जो पाइपलाइन में रह जाते हैं बिकॉज एनर्जी फ्लो नहीं ऐसा कोई सॉन्ग है दैट यू कैन यू गाइस कैन थिंक ऑफ अभी जो पाइपलाइन में रह गया और मतलब बड़ा मन था कि आए बाहर काफी सारे हैं उनमें से एक्चुअली एक सॉन्ग थोड़ा सा विगल आउट करके अब हमारी एल्बम में रिलीज हो रहा है ओके जो न्यू एल्बम आने वाली है अभी एल्बम आने वाली वी विल टॉक अबाउट दैट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी वेडिंग्स
तो जो हमारे पास लिस्ट है, आप जहाँ जहाँ पर गए, जैसे अनंत अंबानी और अंबानी इज वेडिंग, फिर कियारा अडवाणी की शादी की बात कर ले, या फिर आलिया, कटरीना, तापसी पन्नू, और मेरे ख्याल से आलिया और तापसी दोनों बागे गाने पर उन्होंने वॉक किया है. आउट ऑफ ऑल दीज वेडिंग्स, आपकी फेवरेट कौन सी रही? सो आलिया एंड तापसी की वेडिंग पे हमने परफॉर्म नहीं किया था, उन्होंने हमारा म्यूजिक यूज किया एंट्री के लिए, बागे के लिए. ओके. एंड बोथ विकी कटरीना सिद्धार्थ कियारा की वेडिंग्स वर इन राजस्थान एंड दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल इन ब्यूटीफुल सेटिंग्स. ओके. एंड आई थिंक वी एंडेड अप हैविंग ग्रेट फन एट बोथ, बट इफ आई हैड टू चूज वन, या I mean, at Vicky, Vicky Katrina's wedding, the highlight for me was meeting Gurdas Mann. Oh, yeah. You know, he is such first a legend. First guy on the dance floor was Gurdas Mann. Such a legend, such a down-to-earth person, you know, like, or obviously, you know, he's, what we're doing now, he's done before us, you know, so, and of, he's still continuing to do so, you know. So, he's an inspiration for us, and in that sense, it was so nice that he came to us and met us himself, and then, उन्होंने डांस करना शुरू किया, सबको बुला रहे थे, वो गा भी रहे थे, वो सामने गा भी रहे थे हमारे साथ, यू नो, इट वाज जस्ट सच अ, बट मैंने जब उनको देखा ना ऑडियंस में, आई क्विकली वेंट टू हरि, आई सेड ओ माय गॉड इज दैट गुरदास मान, सो फॉरगेट विकी कटरीना, मैं तो गुरदास मान देख के आ गया, ओह शिट. या और सिडन कियारा, दे जस्ट लवली पीपल, दे वर रियली नाइस, जस्ट सब अपने आप जाके सारे गेस्ट को, यू नो, जैसे गेस्ट टेबल पे बैठे हैं, ओके, दे वर मोर इजी गोइंग एंड सबको मिल रहे थे, यू नो, सब ठीक है, यू नो, लाइक जैसे नॉर्मल शादियों पे होता है, खाना पीना किया, यू नो, सो दे वर लाइक सो नॉर्मल एंड डाउन टू अर्थ, यू नो, इट वाज जस्ट सच अ, दे जस्ट लवली पीपल. तो यू गाइस गॉट टू सी जो पूरा कियारा ने एंट्री मारी थी और वो ये वाला पूरा आपने देखा? नहीं नहीं, ये हम इस दिन हमारी फ्लाइट थी, वी हैड अनदर शो. Okay. That was the next day. But we in the morning we had breakfast with Shahid and Meera. Meera, Shahid, Meera and Manish Malhotra. So that was nice, you know. Okay. Yeah. It's nice to like meet. So actually the answer I was looking for was मैं तो कपड़ों के लिए excited हो जाती हूँ, या फिर खाने के लिए, बारात वाली चाउमीन, ऐसा कुछ खाने के लिए. You guys? मैंने चेरीज बहुत खाई विकी कटरीना की शादी पे. टेबल पे जो फ्रूट का लेआउट था ना, दैट वाज स्मैशिंग. ओके. एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिग चेरीज, ओ माय गॉड. वो एक पूरा वो जो फ्रूट का था ना, मैं उसमें से सारा सारी चेरीज तो मैंने ही खा ली थी शायद. नोबडी वाज ईटिंग द फ्रूट यार. मैंने नोबडी विल ईट द फ्रूट. हु ईट्स फ्रूट वेडिंग में? बट चेरीज, दे वर यम. या चेरी ऑन द केक बेसिकली. ओके. एंड मतलब ये तो शादी के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग को देखने को मिले, लेकिन अंबानी वेडिंग पूरी की पूरी सामने थी, बट कुछ ऐसा जो आपकी नज़रों ने पकड़ा और बाकी और दुनिया की नज़रों में नहीं आया, लाइक एनीथिंग फ्रॉम देयर, कोई मेमोरी? पर्सनली अगर मुझे पूछो ना, दे हैड अ रियली गुड टाइम, लाइक द फैमिली, राइट? ओके, फैमिली, यस, द फैमिली हैड अ ग्रेट टाइम, एंड आई थिंक दैट्स रियली द मेन थिंग यार, यू नो, सब आए, मजे करें, एंड यू नो, ऑफ कोर्स सब सब सबके सेलिब्रेशन का लेवल डिफरेंट होता है, यू नो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हैविंग अ गुड टाइम. एक्चुअली अंबानी वेडिंग आल्सो, वी वर इन दोहा फॉर अनदर वेडिंग, एंड हमें कॉल आया, हमारा शो था, लंच का शो था, और सुबह ब्रेकफास्ट पे हम लोग बैठे हैं, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, एंड वी आर टेलिंग देम कि अभी हमें साउंड चेक करना है, फिर वापस आके तैयार होना है, फिर जाके शो करना है, लेट अस फिनिश दिस एंड देन वी विल कॉल यू बैक. नहीं 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 नहीं, बॉम्बे में शो है दो दिन के बाद, रॉयल फैमिली ऑफ बॉम्बे, लाइक बॉम्बे में कौन सी रॉयल फैमिली है? सो देन वी गेस्ट की, अच्छा, दे आर टॉकिंग अबाउट द अंबानीज, दैट टाइम अंबानीज की वेडिंग के बारे में कुछ हमने सुना नहीं था, एटलीस्ट वी डोंट कीप इन टच विद देम. हम लोग उस हमने सोचा दैट वाज अ प्री वेडिंग, टर्न्स आउट वो प्री का भी प्री था, वो तो काउंट ही भूल गए हम लोग कि कॉल कितनी बॉम्बे में था घर के लोगों के लिए. एक बॉम्बे में एक पूरा हुआ है सीन वेडिंग का, जो आई डोंट थिंक पीपल न्यू अबाउट दैट. एंड देन व्हेन वी वर लीविंग, देयर वाज दिस लाइक लैविश स्वीट्स एंड लॉलीपॉप्स एंड ऑल दैट, और एक ना छोटे होते वो हार्निक की सिगरेट्स आती थी, स्वीट
Just two? Yeah, I mean, इतने कौन खाएगा यार? So, मैंने ये सुना है कि नीता अंबानी, she takes like interest in all of these things, like सारी चीजों में, तो was she there, like ऐसा involved, involved? Well, I think she's उनकी टीम टीम्स होती हैं वहाँ पे तो ये सिर्फ दिखा रहा है कि मतलब वो करती हैं इन्वॉल्व रहती हैं शी इज इन्वॉल्वड ऑफ कोर्स ओके ओके शी इज इन्वॉल्वड सो आपने बोला कि न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं अभी मतलब सीजन के टाइम पे तो हमें नहीं पता लग रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो न्यूज़ नहीं देखते तो टीवी पर क्या देखना पसंद है लाइक शोज यूट्यूब या नए मोस्टली ओटीटी ओटीटी ओके स्त्री टू अभी आई है वो देखी आप लोगों ने नहीं बैड न्यूज़ देखी मैंने बैड न्यूज़ कैसी लगी अच्छी आई हैड फन वाचिंग रियली या ओके आई एंजॉयड इट स्त्री टू में वो नहीं थे अपनी अपनी ओ रियली आई हैव नो आइडिया या 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 इनकी कजन भी एक्टर बन चुकी हैं इट इज स्त्री इज दिस मैडॉक फिल्म्स मैडॉक यस ओ इज इट आई डिडंट नो सो दे द प्रोड्यूसर्स आर ओ ग्रेट या ओके श्योर या सो आन्या इज इन इट She's my sister. Congratulations. She's doing well. Okay. Definitely Dharma ke saath films kar rahi hai. She's doing well. Dharma ke saath. Anyway, main koi wahan par. Chashme. Baddu. Chashme. Like I wanted to ask. This was like personally. Like hamari team ne questions par kaam kiya hai. But like, do you like them or just ki nahi kuch? We love our fashion. Okay. So, chashmas are a big part of that, hai na? Chashmo ke bina kya hoga? Nahi, to aapke hote bhi kaafi atrangi hai. Yeah. Aaj to main apne sabse simple wale pehen ke aayi hu. These are mine. Where are mine? Mere bhi yahi pad. So, kitna time lagta hai pick karne mein aur kya thought rehta hai ki kya karna hai, kaise karna hai? Time nahi lagta hai. We figured out the brands that we like. Okay. And जो लोग जिन लोगों से हम लेते हैं वो भी हमें जानते हैं कि इनको क्या दिखाना है तो हमें सिंपल स्टफ वैसे ही नहीं दिखाते हैं सो इट्स प्रीटी इजी यार जब कुछ आता है तो हमें पता लग जाता है कि अब आ जाओ और चेक कर लो देखो जी हमारे ट्रैवल्स एंड टूर्स तो रहते ही हैं यू नो तो उनके बीच में एक तो खाना पीना हो गया और एक होगी फैशन की लाइक शॉपिंग होगी और यू नो डिस्कवरी यू नो कि क्या चल रहा है आजकल यू नो एंड something different something new but it all started kyunki stage pe na lights bahut strong hoti hain i mean shuruaat wahi se hui thi ki ab lagta hai ki chashme pehenne padenge but then you can't wear just any chashma ha fir one of our travels bahar hum europe mein ab tani kahan the and we came across this one brand and bas wahi se shuruaat ho gayi fir berlin mein yeah who's more likely to is the game dekho ji sari achhi baatein meri taraf sari गलत बातें उसकी तरफ इसके बैक साइड में देयर इज नथिंग हां ओके हां लाफ एट रॉन्ग सिचुएशन ये कैसे हो सकता है लाइक यू बोथ आर लाफिंग ऑल द टाइम ओके देन बोथ ऑफ मी हाउ इज इट मी वेल गलत सिचुएशन में तू ही हंसता है फिर तू कहता ओ ये कितनी बार ना इतनी जोर की हंसेगा फिर कहेगा ओह शिट दैट वाज टू लाउड इट्स डेफिनेटली नहीं लाफ लाउड इज डिफरेंट थिंग बट रॉन्ग सिचुएशन पर रॉन्ग सिचुएशन पे वैसे मैं तो कभी ना हंसूं ये हरी है जो हंसोगे ट्राई एवरी डिश शादियों में जाकर एवरी डिश नॉट मी यू गाइस आर नॉट फूडीज एट ऑल वी आर ऑफ कोर्स वी आर ऑफ कोर्स 100% That's the शादी के खाने के बारे में बात नहीं की फैंटम सिगरेट उठाई तो भी दो उठाई ये कैसे शादी के खाने में तो ये है ना कि जलेबी दिख जाए तो और कुछ क्यों खाए बट नो नो फूड फूड वाइज वी लव ही हैज अ स्वीट टूथ बट जलेबियों की बातें इन्होंने की है चेरीज की बातें हैं चेरीज एंड अभी अनडायग्नोस्ड उनके लिए व्हाट इज योर फेवरेट दिल्ली में तो हम मोस्टली ऑर्डर इन करते हैं बट आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट पिज्जा प्लेस है घिटोरनी में है लियोज एट 620 इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड Oh yeah? हाँ, there was this one list अभी कुछ महीनों पहले जिसमें ये बताया गया था लियोस जो है वो बट अच्छा एक और न्यू रेस्टोरेंट जो क्रॉस पॉइंट मॉल में है उनको भी अभी ऐड किया 100 में टॉप 100 में
हुए cry at smallest inconvenience. So she's laughing also, she's crying also. ये तो कहाँ ही cry करेगा यार. He doesn't. बिल्कुल भी नहीं. रॉक हार्ड रॉक बोर्डिंग स्कूल का पला बड़ा है. मेक सेंस. नेवर सेज नो. नन ऑफ अस. ओके. शी ऑलवेज सेज नो. नो इज द फर्स्ट वर्ड ऑलवेज. नो. हाँ देखा. हाथ कंगन को आरसी का पढ़े लिखे को आरसी का प्रूफ हो गया. ओके. हु इज मोर लाइकली टू टेक्स्ट देयर एक्स. टेक्स्ट देयर एक्स. आई हाय क्या मुंह बनाया सर डिस्गस्ट से भरा हुआ. छी 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 इतना बड़े मी. यू विल. या आई एम फ्रेंड्स विद देम. ओके राइट ना. चल वो कहते हैं कि एक्स से दोस्ती नहीं अच्छी होती. पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर. Who's more likely to pull a prank on someone? Yeah, that's probably. सारे आंसर मुझे पीछे से आ रहे हैं. That's probably going to be me. क्या कह रहे हैं? Okay. That's going to be me. Yeah. Okay. Definitely. You do? हाँ हाँ. Right, but you don't laugh, you don't cry. नहीं वो. इसके बारे में एक बात बताती हूँ. ये ना रोज़ नए नाम बनाता है लोगों के. Okay. हाँ. तो how many names have you given to her? Please tell her. What are the two top names that you call actually, me randomly? Actually, देखो बात बड़ी सिंपल है. मुझे you know unusual names. अब जैसे एक नाम है लजदान. Okay. कभी आपने सुना है? It's not a name. आप Google कर लो. आप Facebook पे देख लो. आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा. और अगर आपको Google पे वो नाम नहीं मिल रहा, मतलब कि unusual है या unusual है वो. So इस टाइप के नाम मैं ना क्रिएट कर देता हूँ. तो कभी कभी होता है जैसे हमारे शोज होते हैं ना. This was created by you. होते हैं. This was created by. या या. Okay, मैं अपना सारा टाइम. कभी randomly ना हरी फोन करेगा. म्यूजिक बनाने में और नाम बनाने में टाइम स्पेंड करता हूँ. नहीं नहीं फिर गाने भी इसने वो भी बना. एंट्री जब एंट्री होती है ना मिस ब्रिगेंजा वाली उसके साथ इसने साथ में गाने गाना भी ट्यून भी बना दी है. सुनो ना तो यार मैं कंप्लीट कर लूं अपनी स्टोरी. नहीं है वो तो उन्होंने पहले बोल दिया वो नो बोलती है. हां सो जैसे क्लब शोज होते हैं ना क्लब शोज में गेस्ट लिस्ट देनी पड़ती है. तो उसमें मैं जैसे दो तीन ऐसे नाम बना के ना शैंग्विन. अब आपने कभी शैंग्विन नाम सुना है? ये आ कहां से रहे ना. लजदान और शैंग्विन पहुंचे नहीं यू नो शो पे. नो नो इट्स नॉट लाइक दैट. कहानियां तो इतनी गंदी बनाता है ना. बेसिकली हमारी न्यू मैनेजमेंट थी अभी. हां एंड दे आर लाइक क्लब शोज गाइस यू मस्ट डू क्लब शोज यू नो पब्लिक देखना चाहती है. सो वी आर लाइक अच्छा ठीक है यार कर ले पब शो. उसके लिए फिर अब हमारे फ्रेंड्स कुछ जिन्होंने आना है उनके लिए हम गेस्ट लिस्ट बना रहे थे. तो वो कह रहे हैं कि जी प्लीज अपना गेस्ट लिस्ट बना के हमें भेज दो. तो इन्होंने ग्रुप पे मैंने अपने तीन चार नाम भेजे. इन्होंने अपने तीन चार नाम भेजे उसमें इन्होंने दो नाम और चिपका दिए. शैंग्विन एंड लजदान. एंड द गाय सेज ओके. आई एम लाइक हाउ आर दे नॉट ओनली यू न्यू. अभी जैसे Instagram पे हमें मैसेजेस आते हैं शोज के लिए नो लाइक कोई इंक्वायरी आती है तो हमें जैसे वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स इज अगम वालिया. ओके. उसका नेम और नंबर देते हैं. सो नई चीज ये शुरू की है उसका नाम बदलना शुरू कर दिया है. सो जैसे उसका नाम अगम वालिया है. सो स्टार्टेड ऑफ विद अगमदीप फिर अगमजीत अगमप्रीत फिर इट बिकेम बनी वालिया. यू नो नाउ इट्स बिकम रॉकी वालिया. अगम को कॉल आ रहे हैं और वो रॉकी वालिया. इसने ना अगमदीप अगमदीप बोला Instagram पे. अगम को फोन आया कहते अमनदीप चाइज. सो फिर मतलब अब तो आदत पड़ गई होगी उनको कि अब अलग तलग नाम से आ सकता है कॉल. ऐसा होता है हमको पता लग गया. नहीं सर अगम बोल रहा हूँ मैं. गाने का वो नहीं सुनाया मींस नाम की धुन नहीं सुनाई. जोर से बोलो. नहीं नहीं लजदान को नहीं दैट्स पर्सनल यार.
मैंने भी सुन लिया आगे माइक में लजदान को ऐसे या सडनली फोन करेगा लजदान को ओए रैंडम हु इज मोर लाइकली टू गेट हर्ट बाय फॉलिंग डाउन लाइक क्लमजी नॉट मी तेरे रोज लगे होते हैं बम्प्स आई एम अ स्पोर्ट्समैन मेरे तो बम्प्स लगे होंगे तो आई एम आल्सो अ स्पोर्ट्स गर्ल डजंट मीन मेरे को रोज चोटें लगती हैं हां बट यू एंड अप लाइक भिड़ रहे हैं लड़ रहे हैं इससे लड़ गए टकरा गए ऐसा ऐसा हां ओके ये रोज स्क्वैश खेल के इधर उधर स्क्रैच करके आ जाता है दिल्ली वापस दिल्ली आता है अभी ये कहां से रजत रजत इज माय बॉस ओके राइट ही प्ले स्क्वैश उनकी स्टोरी पर यही दोनों चीजें गोल्फ स्क्वैश बड़े लोग एंड दे बोथ वेरी एडिक्टिव गेम्स हां बाय बाय द वे एंड वेरी बोरिंग हां नहीं मैं उनके सामने नहीं बोल सकती मतलब गोल्फ इज मुझे भी लगती है हु इज मोर लाइकली टू शॉपलिफ्ट शॉपलिफ्ट यू मीन लाइक बचपन से अभी तक नहीं कभी भी शॉपलिफ्ट नहीं किया कुछ नहीं क्यों लाइक शॉपलिफ्टिंग इज लाइक अ वेरी बेसिक आपने किया नहीं टेक सो मच टाइम टू कॉल और टेक्स्ट बैक दैट्स डेफिनेटली मी ओके आर यू अ कॉल पर्सन और टेक्स्ट पर्सन नन ऑफ द अबव नीदर नाइदर ईदर आइदर और वॉइस नोट्स वाले पर्सन नो आई हेट इट नेवर आई हेट वॉइस नोट्स आई डोंट लाइक वॉइस नोट्स ओके What a waste of my time. Yeah. And you respond like quickly. Turant. Call ho jata hai. I respond quickly. Hari ka pata nahi. Why? I keep my phone on silent all the time. Same. Wo to hai radio ki wajah se aadat padi. Hari apne aap ko studio mein band rakhta hai. That's why. That's why he likes squash. Introverted. Because he likes to be inside a room. Takes more time to get ready. Definitely. Clear hai. Definitely. How much time? Like how much time is very much time? Like no, she just actually takes a long time to decide what to wear, and then you know what I'm saying. Mm-hmm. Like actual process mein itna time nahi lagta jitna. Plus, you know, I don't really do much makeup. तो जब मेकअप करना पड़ता है ना शो के लिए फिर मेरे को टाइम लगता है कि अच्छा पहले ये करना है नो बट दैट यू बिकम वेरी क्विक एट नाउ यू बिकम वेरी प्रोफेशनल एट इट लिपस्टिक इज लाइक सच अ पेन उसके लिए थोड़े लिप्स ज्यादा बड़े होते हैं तो फिर व्हाट अ गाय यार व्हाट अ गाय यू आर बॉडी शेमिंग मी ही लिप शेमिंग यस ओके बी एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम पता नहीं यार आई डोंट नो अबाउट दिस यार फेवरेट ऑफ किड्स दैट वुड डेफिनेटली बी मी या You don't like it. Oh yeah, she, her niece loves her. Both her nieces. No, I don't. मतलब सबके बच्चे नहीं. मेरी niece ठीक है. वहाँ तक उतना बहुत है. Otherwise, no, I'm not like attracted to kids. Yeah. Okay. Burp loudly. I used to do that a lot. Okay. हाँ, boarding school habit. Yeah, हाँ, वो लड़कों वाली. लड़कों वाली. Okay. I think I know the answer to this question. Who's more likely to find content in everything? That is definitely her. Huh? Haan. Okay, toh main fir galat. Mujhe laga you find content because you observe more. It depends. Like, I think content she's... as in real content. That's okay. Definitely her. Okay. Yeah, yeah. For sure. For sure. Hey. If it were up to him, hamara account hi na hota social media pe. Main hi banaya sara kuch. And True. how hectic does it become? कि reel भी बनानी है, travel भी करना है। हमसे नहीं होता यार। नहीं, we, I mean it might sound make us sound old, but we don't belong to that generation. Not at all. कि मुझे तो लग रहा है अब generation ज़्यादा और दूर जा रही है। मतलब they अच्छा? हाँ they comment more. Then posting, but हाँ वो content creator ऐसे हो गया. Actually, you know the quality content की जो quality है उसपे भी depend करता है. Like हम देख रहे थे what were we watching? मतलब we don't want to show कि अब हम breakfast में क्या खा रहे हैं, you know lunch में. Yeah, that is a bit much.
अगर आप कमीडियन कोई हैंडल कर रहा होगा तो वही ये भी बता दूंगी कि एक नीश कंटेंट जाना चाहिए आई थिंक हम ही करते हैं हैंडल मोस्टली तो ये पहली बार है कि मधानिया के लिए हमने किसी के हाथ में देख दिया है कि बट वो भी हमारे से पास होके ही जाता है जो भी जा रहा है एंड मोस्टली मैंने ये देखा है कि ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू गाइस आर डूइंग ट्रैवल की बहुत ज्यादा उसमें स्टोरीज और वो कंटेंट होता है फीड पर ट्रैवल स्टोरीज सो पहला डिफरेंस तो मैं यही जानना चाहूंगी जो शादियां यहां पर हो रही होती हैं और जो शादियां बाहर हो रही होती हैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस एक एक से जानना चाहूंगी मैं सबसे बड़ा डिफरेंस आपके हिसाब से यहां की शादी में और वहां की शादी में क्या होता है ओके यू टाइमिंग सब टाइम से आते हैं रियली दुल्हन भी बिकॉज होटल में सब सभी एक होटल में एंड यू नो स्पेशली लाइक इफ यू आर एट अ होटल एवरीथिंग इज मोस्टली ऑन टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में छतरपुर में कहीं पे शादी है और लोगों ने अपने घरों से आना है तो टाइम लगता है बट अगर सब जाके टर्की में बैठे हुए हैं तो वो गए उस चीज के लिए एवरीथिंग हैपेंस ऑन टाइम जयपुर जाओ उदयपुर जाओ एवरीथिंग इज लाइक मोर ऑन टाइम देन इट इज इन द सिटी आल्सो डेस्टिनेशन वेडिंग में लोग हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं यू नो जैसे 100 लोग हैं 150 लोग हैं यहां तो लोकल वेडिंग्स में तो सब पहुंच गए हैं अंबानी वेडिंग मेरे दो दोस्त लोग भी आ रहे हैं साथ सब चलते हैं पीपल यार इवन डेस्टिनेशन वेडिंग्स आर लाइक मोर देन 200 दे डेफिनेटली स्मॉलर देन लोकल वेडिंग्स 21,000 का शगन दे रहे हैं तो तीन प्लेट खाएंगे ऐसा वाला हो जाता है यहां और वैसे भी अगर आप शोज करने जाते हैं तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनलिज्म का भी काफी डिफरेंस आता होगा तो डू यू थिंक यहां से ज्यादा बेटर है वहां पर प्रोफेशनल नहीं ऐसा कुछ नहीं है शोज के लिहाज से भी ऐसा कुछ नहीं है दिस इज नथिंग लाइक आप अब्रॉड की बात कर रहे हो हाँ बाहर में लाइक आई फील कि टेक्निकल टीम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद क्योंकि इंडिया में तो वहाँ ओके बिकॉज इंडिया में तो लोग ही इतने ज्यादा है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स बहुत है लेबर बहुत ज्यादा है वहाँ पे एक जना है जिसने लाइटें भी लगानी है स्पीकर्स भी लगाने हैं यू नो और कई बार लैंग्वेज का इट बिकम्स आइलैंड में लैंग्वेज का बैरियर डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर टर्की में लैंग्वेज का बैरियर सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द आवर टेक्निकल टीम फाइंड्स इट यू नो डिफिकल्ट टू लाइक अ चैलेंज ओके बाहर जाके क्योंकि कम लोग होते हैं यहाँ पे तो एक आवाज दोगे चार लोग पहुंच जाएंगे हाँ और यहाँ पर ये भी दोस्ती यारी में काम हो जाता है वहाँ पर वहाँ पे बहुत मुश्किल है तो हमारा एक शो आता है इंडी मेरी जान जिसमें हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और उनकी जर्नी इसको सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली तो ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन बने विच आर गोइंग टू बी थोड़ा सा आर्ट के ऊपर तो वो ओ माय गॉड ओके ठीक है एकदम सीरियस हो गए नहीं नहीं हम चेंज हमने कहा अच्छा ये इसका काम हो गया ओके सो इंडी मेरी जान में सबसे पहले तो वेलकम टू द शो हरी एंड सुखमनी ओके सो आपके म्यूजिकल जोड़ी की जर्नी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कहाँ से स्टार्ट हुई अब कहाँ पर है और कैसे इसका विजन आया कहाँ से स्टार्ट हुई चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई वी स्टार्टेड इन चंडीगढ़ वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड ओके And this was in back in 2008. Actually, and, end of 2008 में हम लोग मिले और हमारी first meeting में ही हमने notes exchange किए music के ये क्या बना रहा था मैंने उससे पहले क्या काम किया था and फिर he was working on a song and he's like see if you can sing on this okay and that's how we made our first song it was more of a lounge track and फिर वहाँ से हमने सोचा कि you know चंडीगढ़ में कर रहे हैं पंजाबी एंगल वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक व्हिच वाज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू ऑफ अस सो वी सेड कि चलो पंजाबी म्यूजिक को एक वो लाउंज मिक्स करके लेट्स ट्राई टू डू दैट एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड हमारे पहले 8 गाने भी मोस्टली वही थे ओके एंड देन वी रियलाइज्ड कि द रिस्पांस दैट वी गॉट इन चंडीगढ़ वी रियलाइज्ड दैट देयर इज अ नीड फॉर इट पंजाबी फोक म्यूजिक जो लोग सुनते हैं बट कमिंग जनरेशन्स नहीं सुन रही हैं दे आर मोर वेस्टर्नाइज्ड वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा आ गया है सो वी थॉट कि लेट्स मेक द सॉन्ग्स विद दैट वेस्टर्न अपील
एंड सो द कमिंग जनरेशंस विल लिसन टू द सेम पंजाबी फोक सॉन्ग्स. तो थ्री जनरेशंस कैन लिसन टू आवर म्यूजिक टुगेदर, यू नो. करेक्ट. एंड होते होते यू नो वी स्टार्टेड टू सी दैट एंड दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट केम. और एक ना कल्चरल कनेक्शन होता है, जैसे हम सिटीज में रहते हैं, कंक्रीट जंगल, यू नो, सो कल्चर से डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ा. बिल्कुल. सो द आइडिया वाज कि आई मीन इट इवेंचुअली इट ग्रू इनटू द आइडिया ग्रू बट इट वाज कि यू नो जो लोग अर्बन सेटअप में रह रहे हैं उनको हम कैसे कल्चर के साथ कनेक्ट करें, यू नो. सो दैट वाज अ मेजर सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस. जहाँ तक रिक्रिएशन की बात, मैं रिक्रिएशन नहीं कहूँगी, आपके सॉन्ग्स आर टोटली डिफरेंट, लेकिन आजकल ये डिबेट बहुत है रिक्रिएशन को लेकर कि पुराने सॉन्ग्स उठाकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं. जबकि मेरा यही मानना है, जो आपने बात बोली कि आज की जनरेशन को हम थोड़ा ऐसा टच दे दें कि वो फोक सॉन्ग को भी इंजॉय कर सकें. yeah, exactly. तो वो होना चाहिए. सो कभी आपसे किसी ने बोला ऐसा कि अरे ये तो पुराने सॉन्ग्स हमारे ये हैं वो हैं? होता है, देयर आर प्योरिस्ट्स आल्सो. प्योरिस्ट भी होते हैं ना कि अरे ये गाना कैसे चेंज किया वो ब्ला ब्ला ब्ला. सी देखो, फोक म्यूजिक इज बेसिकली गुड म्यूजिक दैट यू नो ट्रैवल थ्रू द एजेस. अच्छा गाना है वो, रहा है यू नो थ्रू टाइम. अब उसके आप उसका अगर आप बोलो कि इसको उस स्टाइल में आपने क्यों नहीं किया तो मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि आपको वो स्टाइल पसंद है, राइट? हाँ. आपको वो जनरेशन की प्रेजेंटेशन पसंद है, बट डजंट नेसेसरली मीन कि वो ओरिजिनल है. बिल्कुल. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? वो फोक सॉन्ग 100 साल पुराना है, राइट? बट उस जनरेशन ने उसको उस स्टाइल में एक्सेप्ट किया. इस जनरेशन में हम उसको इस स्टाइल में एक्सेप्ट करें. सो इट्स बेसिकली द सॉन्ग इज द सेम बट इट्स द प्रेजेंटेशन दैट चेंजेस, यू नो. सो वी हैव टेकन दैट responsibility for our generation. Totally makes sense. And आपके songs में क्या होता है, music का बहुत बड़ा role होता है. We would like to understand the process कि कैसे start होता है, क्या सोचते हैं, एक गाना create करने का process क्या होता है हरी और सुखमनी के लिए. First and foremost, the vibe is very important. Okay. मतलब गाने कई बार आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे रेजोनेट करता है, यू नो. सो यू लाइक ओके इस गाने पे हम काम करते हैं, या फिर कभी कुछ सुन लो उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, यू नो कि हाँ यू नो ये ट्यून बहुत अच्छी है, ऐसे हम लेट्स ट्राई टू वर्क अराउंड दिस और समथिंग लाइक दिस, या एक जॉनरा, यू नो, कुछ समथिंग इंस्पायर्स यू एंड देन यू से कि हाँ ये गाना इस पे बहुत अच्छा बैठ रहा है और वाइस वर्सा. सो इट्स वेरी फ्लूइड आवर प्रोसेस. कोई ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग. एक तरीका जैसे अब कुछ गाने हमारे एल्बम में भी अब लॉन्च होंगे. एक गाना ऐसा था तो सॉन्ग केम फर्स्ट, यू नो, देन द म्यूजिक केम. कि पहले हमने ये डिसाइड किया कि ये गाना करना है, उसका स्केल डिसाइड करते हैं कि कौन से स्केल पे गाएंगे और फिर म्यूजिक अपने आप बनना शुरू हो जाता है उसके पीछे, राइट? ऑफ कोर्स हरी ऑलवेज हैज अ वेरी क्लियर थॉट कि इस गाने में मेरे को क्या अप्रोच लेनी है. एंड देन देयर इज अनदर सॉन्ग जो कि एक दिन हम लोग पता नहीं एयरपोर्ट से कहाँ चंडीगढ़ गए थे फॉर अ शो और हम लोग एयरपोर्ट से गाड़ी में जा रहे थे एंड एक प्लेलिस्ट में कोई गाना चला, राइट? एंड इट वॉज मोर लाइक एन इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग विद बीट्स एंड ऑल एंड हरी जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग Punjabi folk song to it, and or was it our own song? I'm getting confused. I think hamara hi piece tha, musical piece, aur usme humne kuch gaya, and we were like, oh wow. So you know, us gaane ke liye pehle music decide ho chuka tha, and then the song. You're talking about ko mold na kiya wo tha. Apna hi gaana tha. That was apna hi tha na. So jaise for example, I travel. So main koshish karta hu ki wahan agar koi jaise local आर्टिस्ट हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, सो मुझे अगर कोई वहाँ कोई आर्टिस्ट मिल जाए कोलैबोरेट करने के लिए तो मैं कुछ बनाते रहता हूँ, यू नो. सो कई बार गाना उस पर फिट आ जाता है, कोई फोक सॉन्ग, यू नो, इकट्ठे बैठे हैं, गाना चल रहा है, उस पर हम कुछ जैसे बागे ऐसे ही बना था. हरी ऑस्ट्रेलिया में बैठा था और कहता है, मेरे को कॉल करके कहता है, आई मेट दिस कूल बैंड
एंड वी शुड डू अ कोलैब विद देम. हमने चूज किया अच्छा बागे पे काम करना है, तो कहता है कि मेरे को बागे के मीनिंग्स लिख के भेज दो ताकि मैं इनको बता दूं. तो मैंने उनको फिर इंग्लिश में भेजा, उन्होंने लिटरली वही चीज ट्रांसलेट as they translated it, okay. they've sung it. अगर आप गाना सुनोगे, it says come down to the garden, come down to the garden. I want to see you, baby, one more time. When the moon hides its face, please, baby, show me yours. तो literally like जो meaning था उसी को एक lyrics में डाल के उन्होंने. And I like to find, you know, जैसे कोई बहुत cool studio हो ना कहीं पे, तो I like to go and record there. मुझे मतलब इट इंस्पायर्स मी. तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि वो पुराने जो चर्चेज होते हैं ना उनको वो यू आर अलाउड टू बाय देम. कोई भी वो खरीद सकता है. ओके. सो कई लोगों ने चर्चेज खरीद के उनको एयरबीएनबी में कन्वर्ट किया हुआ है, यू नो. तो जिस स्टूडियो में बागे रिकॉर्ड किया वो चर्च था, बहुत पुराना चर्च एडिलेड में. तो किसी ने उसको स्टूडियो में कन्वर्ट किया था. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, टू गो इन टू दिस huge chapel kind of a situation and, you know, record like guitars and bass and all that, you know. So, yeah, but I wish we had thought of shooting that. Us time pe dhyan mein nahi aaya ki shoot karna chahiye. Ab itna dimag hota mere paas to fir. Therefore, content is mera content creator. Content Now? Can we play? Yeah, sure. Yeah, okay. Yeah. बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों चन छुप जावे तुसी मुखड़ा दिखाया करो, जदों चन छुप जावे तुसी मुखड़ा दिखाया करो. और जब ये सॉन्ग्स पिक होते हैं, मतलब जब आपको लगता है कि बागे पर करते हैं, मदानियां करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे रेंडिशंस हो चुके हैं, जगदीश सिंह और चित्रा का ये एक वर्जन है और लोगों के दिल में ऑलरेडी बस चुका है, लेकिन फिर उसमें हरी और सुखमनी डालना है, तो ऑफकोर्स आवाज़ म्यूजिक वो काफ़ी अलग रहता है, लेकिन और भी क्या कुछ ऐसा एलिमेंट आप सोचते हो चश्मों के अलावा? आई थिंक एक वो इंस्ट्रूमेंट, लाइव इंस्ट्रूमेंट, वी ऑलवेज प्रेफर कि एक लाइव इंस्ट्रूमेंट हो. और मेरा तो फेवरेट है इसराज और सारंगी. ओके. सो मेरा बस चले तो मैं हमारे सब गानों में हो. आई थिंक कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट हैं, यू नो. सो कोई आर्टिस्ट मिल जाए, यू नो, जो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचे हैं, तो उनके साथ हमारा म्यूजिक भी एलिवेट हो जाता है, यू नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दोस काइंड ऑफ लाइव कोलैबोरेशंस. एक ह्यूमन टच आ जाता है गाने में जो जरूरी है. एंड बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग इंडी म्यूजिक यहाँ पर, तो मधानिया का आपका फेवरेट पार्ट, दोनों का ही आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा? एंड आई वुड लाइक यू टू सिंग दैट पार्ट. सो दो पार्ट्स हैं मेरे. ओके. एक तो ओपनिंग लाइन, मधानिया हाय ओ मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया है. And for you. Yeah, as a producer of the song, I love the flute. जो एक है हमारे दिल्ली के ही हैं पंडित अजय प्रसन्ना, उनकी जो फ्लूट है वो मतलब इट्स साउंड्स लाइक अ वोकल ओनली, मतलब जैसे उन्होंने उसको ऐसे, और पता नहीं इट वाज, इट जस्ट मेक्स द सॉन्ग, ऑफ कोर्स हर वोकल्स गोज विदाउट सेइंग, बट द फ्लूट आल्सो जस्ट कंप्लीट्स द सॉन्ग, यू नो, मेक्स इट कम अलाइव. सो फॉर मी, बिकॉज जब हमने उनको रिकॉर्ड किया था तब से लेके आज तक वो फ्लूट जो है ना बस गई है दिल में. ओके. वाह. एंड ये होता है ना कि जब अभी जो देख रहा है, मैं सुन रही हूँ, विल कम बैक, गो बैक टू द सॉन्ग, एंड फिर वो फ्लूट वाला पार्ट वो खुलकर आएगा मेरे लिए, मतलब मेरे दिमाग में. दैट्स ट्रू. तो इस वजह से
Actually, that is a good story that we should do for reels, na? To tell people about the flute. Ha, good idea. Definitely, yeah. We'll good idea. Definitely do Ankit, that. Ankit, make yes. note. Okay, so आलिया भट्ट एंड तापसी पन्नू दोनों ने आपके सॉन्ग पर एंट्री दी. सो कभी ऐसा हुआ है कि उनसे मिलने का मौका मिला और उनसे ये कॉन्वर्सेशन हुई हो कि यू नो दैट सॉन्ग एंड आपने एंट्री ली, या उनसे आपने जिक्र किया इस बारे में, या फिर कैसी फीलिंग थी ये जानकर कि बागे सॉन्ग पर उन्होंने एंट्री ली थी? आई मीन आई थिंक इट्स नाइस कि यू नो हम बॉलीवुड में काम नहीं करते. हाँ. यू नो अभी तक हमें वो इंस्पिरेशन नहीं मिली बॉलीवुड का कोई जैसे प्रोजेक्ट आया जिस पे हमें काम करने की इंस्पिरेशन हो. बट इट्स नाइस टू सी कि पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ आर एक्सेप्टिंग आवर म्यूजिक इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम बॉलीवुड. यू नो सो इट्स ग्रेट, लाइक यू नो इट्स अ गुड फीलिंग. हर टाइप के लोग हमारा म्यूजिक अप्रिशिएट कर रहे हैं. मिले नहीं हम लोग, बट या आई मीन समटाइम्स यू नो ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने, नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज, नॉन सेलिब्रिटीज ने भी अपनी शादियों पे, मधानिया पे स्पेशली एंट्री की है, बागे पे की है. मैंने अभी करवाया. इनफैक्ट लॉकडाउन में वी डन वन वेडिंग. मतलब उस वेडिंग पे सबने जूतों पे भी प्लास्टिक पहना हुआ था, यू नो लाइक इट वाज लाइक one of those weddings, yeah. And I think we were one of the only artists who performed at that wedding because it was really in the thick of COVID. Aur hum soch rahe the ki yaar hum bahut lucky hain ki hame inhone invite kiya hai. Even in this scenario they are getting married in this scenario aur fir inhone hame bhi invite kar diya. And it was because the guy had proposed to the girl on Baghe. Oh wow. So these kind of things, these kind of stories come to us is really sweet. So that is really touching, yeah. Really touching. Haan, matlab, celebrities, I can totally imagine yeah. ki kya unka thought process hoga ki nahin, baage par humne propose kiya tha, gaana yeah. na gaane chale. जिसने गाया उसको बुलाओ. अभी आपने बोला कि बॉलीवुड का अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तो what are you guys waiting for basically? Christmas. It's around the corner. Around just the corner. What? I mean, उससे पहले दिवाली आ जाएगी. I think हरी को थोड़ा सा फोबिया था बॉलीवुड से. You saying there are a lot of people sitting in Bombay. ऐसे काम बहुत लोग कर सकते हैं. I mean, and बहुत अच्छे-अच्छे लोग बैठे हैं. They're very good at it, you know. So सबका अपना एक स्टाइल होता है. Let's put it like that. हमारा भी एक ब्रांड है. Which is over the years we've brought it to a point ki haan, you know, it is a brand, you know, it is a sound, it is a brand. So hamari koshish hamesha yehi rahi hai ki we stay true to our sound. Right. Agar uske basis pe hame koi project milta hai, it's fantastic, you know. So no, we are definitely open to it. Okay. Yeah. Aisa nahi hai ki hum closed hain. But I guess iske do pehlu hain. Ek humne bhi अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए हैं बॉम्बे जाके बैठो एंड गेट इनटू द सिस्टम. वी हैव बीन वेरी हैप्पी विद द वेडिंग सर्किट सो फार, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग. मतलब मेरा तो यू नो एज अ सिंगर व्हेन यू आर ग्रोइंग अप आपका ड्रीम होता है कि बॉलीवुड में आप गाना गाओ. बॉलीवुड इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट आई फील म्यूजिकली. बीच में एक फेज आया था जो पुराने गानों को रीडू करके एवरी मूवी वॉज जस्ट डूइंग दैट. स्टिल वही टाइम चल रहा है. या या सो आई फील एंड बीच में एक वो मूवी आई थी दीपिका पादुकोण एंड नो हु अ बंच ऑफ देम डूबे वाला जो साउंड. हां गहराई दे चेंज द साउंड अ लिटिल बिट. सो ओवर द इयर्स यू आर सीइंग कि हां साउंड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. And big producers, it's on them. I feel Karan Johar takes risks. थोड़ा बहुत उनके म्यूजिक में मैंने रिसेंटली देखा है कि कुछ चेंजेस हैं. Okay. And I feel small changes, but I think when the time will be right, we will be there. And I think Riya Kapoor does that. Riya Kapoor was the first person to get in touch with us actually. Okay. Huh. Yeah. But उस time पे हम लोग जा रहे थे पाकिस्तान. तो हमारे पास ऑप्शन था या तो बॉम्बे चले जाओ
उनकी फिल्म पे काम करो या तो पाकिस्तान एंड यू चोज पाकिस्तान वाओ वाओ यू सो एक्साइटेड अबाउट द वी हैड अ प्रोजेक्ट देयर सो वी वर वेरी एक्साइटेड क्योंकि वहां से एक बैंड है नूरी एंड उनके कोक स्टूडियो में बहुत अच्छे गाने थे सो वी मेट देम और उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा रिदम बन चुका था एंड वी बिकॉज कोक स्टूडियोज लाइक सो बिग फॉर अस यू नो उस टाइम पे वी वर मोर फॉर दैट कि यार कोक स्टूडियो एंड लाइक वी वॉन्ट टू वर्क विद दिस आर्टिस्ट एंड वी वॉन्टेड टू गो एंड कोलैबोरेट विद देम सो वी वेंट टू लाहौर एंड वी डिड अ कोलैबोरेशन विद देम सो इन फैक्ट लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स पूरा जो कैटलॉग है उसमें आई हैड दिस फीलिंग कि मतलब अगर एंड बढ़ा चढ़ा के मैं इस वजह से ये बात मैंने पहले नहीं बोली मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए आई जेन्युइनली हैड दिस फीलिंग कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान का जो है अगर वो टक्कर कोई दे सकता है तो ये कैटलॉग है जो दे सकता है वो उसी फील और वाइब के साथ है इसी फील और वाइब के साथ है सो या थैंक यू सो मच उसके लिए नेक्स्ट जो एल्बम आपकी आ रही है लेट्स टॉक अबाउट दैट क्या है उसमें लिसनर्स के लिए यस क्या है उसमें ड्रम रोल्स प्लीज I mean, ये जो एल्बम है इट प्रीटी मच सम्स अप आवर एंटायर जर्नी ओके यू नो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी हर जॉनरा पे काम किया हमने इस एल्बम पे यू नो आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस एंड या ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फोक सॉन्ग्स फ्रॉम पंजाब यू नो सो एक सॉन्ग का थोड़ा सा टीज और इट्स लाइक सीक्रेट टॉप सीक्रेट अभी जब आएगा तब आएगा रिवील पता नहीं हमारी मार्केटिंग टीम क्या कहती है बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट आवर मिक्सिंग एंड वी हैव अ इंजीनियर हु मिक्सेस एंड मास्टर्स आवर म्यूजिक राइट सो ही इज समवन दैट हरी हैज स्टडीड इन कॉलेज हिज बुक्स ही इज लाइक यू नो सो हरी इज लाइक अ गुरु टू हरी And we approached him and he's been very kind to work on our music. Okay. He lives For many years now. Yeah, for many years. He lives in Florida and he's a Grammy winning artist. Bob Katz, much, much senior guy. And so when we sent him, this is, by the way, it's our first album. We've not released an album before this. And when we sent him all the songs and उन्होंने जो हमें ईमेल्स लिखी है ना उन गानों को सुन के दे नॉट दैट ही अंडरस्टैंड्स पंजाबी और हिंदी बट ही गेव अस सच ग्रेट वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट एंड वी कांट वेट कि कुछ गानों में तो कह रहे हैं मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे उनके हमारे को फीडबैक आया है तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो शेयरिंग दैट विद द ऑडियंसेस आई वॉन्ट टू सी कि क्या लोग साउंड में डिफरेंशिएट कर पाते हैं एंड वी डोंट लाइक टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी कि गाना कंप्रेस कर दिया लाउड साउंड कर रहा है ये सब एल्बम ना एक स्टेटमेंट होती है हमारे हिसाब मेरे हिसाब से यू नो दैट्स व्हाई प्रोबब्ली हमें थोड़ा टाइम भी लग गया वी आर आल्सो अ लाइव एक्ट सो हमने पूरी जान अपने स्टेज पे लगाई है बट बैरिंग दैट आई थिंक आपको एल्बम तब रिलीज करनी चाहिए जब आपको जब लगे कि हाँ एक लेवल आ गया है कि यू नो वन कैन पुट अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो वो इस एल्बम में आपको दिखेगी यू नो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव यू नो क्वालिटी वाइज एंड एवरीथिंग सो वी आर नॉट द आर्टिस्ट की जी हाँ जूते उतारे एल्बम रिलीज की फिर जूते पहन लिए फिर एक और एल्बम रिलीज कर दी यू नो स्टेटमेंट Okay. So yeah, we yeah, and we have a couple of firsts. Ek to album first time kar rahe hain, but also there is a song which is an acoustic song. Okay. So it's literally just guitar and us, our vocals. Wow. So wo bhi ek very very raw, very organic. So experimental hai. Matlab experiments bhi kiye hain usme. Aisa kuch hai. Actually, I don't think acoustic song एक experiment है because लोगों को हमारी आवाज पसंद है तो इसमें हमने कहा ये लो फिर आवाज ही सुन लो कई बार लोग कहते हैं you know हमें comments आते हैं कि we would love to hear you just you know raw so here it is raw अच्छा तो आपने बहुत countries आप गए हो travel किया है चाहे वो live shows के लिए हो या फिर weddings के लिए हो
हमने अभी सारे आपके अच्छे एक्सपीरियंस सुने, कोई एक एक्सपीरियंस अभी मैं बोल रही हूँ और आपके दिमाग में वो एक्सपीरियंस आ गया हो कि हाय 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 तौबा तौबा तौबा, ऐसा वाला कुछ हुआ है कि अब हाथ जोड़ लिए नहीं जाना है यहाँ पर या फिर नहीं करना है ऐसा कुछ? अरे मैं आपको बताऊँ, हम गए थे अजरबैजान। ओके हाँ हाँ, अभी आजकल तो उसका बहुत ज्यादा चल भी रहा है। और रियली आजकल हाँ ओके बट ओके काफी टाइम, ब्यूटीफुल प्लेस यू नो, वीड लव टू गो अगेन, किंतु परंतु वहाँ फ्लाइट्स बहुत लिमिटेड है जाने की, और लो एंड बिहोल्ड जी हमारा सामान पहुंचा नहीं। ओह ओके राइट, एंड हमारा शो आई थिंक जेट एयरवेज वाज इट, जेट डेज ऑफ जेट एयरवेज एरोफ्लॉट हो इज इट, हां मतलब रशियन एयरलाइंस एरोफ्लॉट, तो सामान पहुंचा नहीं। अच्छा जी अगले दिन और अगेन सेम लैंग्वेज बैरियर, तो हम जी उनके साथ लगे हुए हैं, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, वेंट्स टीम भी लगी हुई है, ना कपड़े हैं जी पहनने को ना हमारे इक्विपमेंट है, और लंच पे हमारा शो था यू नो, सो दैट वाज वन ट्रिप मुश्किल से, मतलब एक घंटा पहले, और साउंड चेक भी करना होता है, और हम गाते भी लाइव हैं, तो यू नो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव अ साउंड चेक, क्योंकि हमें माइक्स वगैरह टेस्ट करने होते हैं ऑल दैट। That was a nightmare. Yeah. मतलब कपड़े नहीं पहुंचे जो लाउंज में पहना हुआ है वही में ट्रैवलिंग क्लोथ्स ट्रैवलिंग में ही जा रहे हैं उसी में ही शादी करने को शादी पे यू नो, सो दैट वाज अ नाइटमेयर। एंड हमने सुना है कि बिकॉज़ ऐसा बहुत होता है वहां पे यू नो, सो ओके सो एंड फॉर यू इट्स गोना बी द सेम एक्सपीरियंस? नो नो, मैं तो भूल ही गई थी ये भी हुआ था। आई थिंक शुरुआत में अर्ली डेज देर हैव बीन टाइम्स व्हेन यू नो द क्लाइंट हैज नॉट रियलाइज्ड कि सी, अगर आप किसी आर्टिस्ट को बुक करते हो तो आप उनका म्यूजिक सुन के उनको बुक कर रहे हो फॉर अ रीजन। कई बार ये क्या होता था पंजाब में ना, आर्टिस्ट का नाम सुना है बुक कर दिया, तो हमें बुकिंग तो बुक करके हम पहुंच गए जलंधर या जहाँ पे भी, बट उनको म्यूजिक नहीं समझ में आ रहा कि उनको चाहिए डिकचिक 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 डिकचिक, हाँ, और हमारा म्यूजिक थोड़ा सा क्लासिक सोफिस्टिकेटेड है फ्रॉम आई थिंक व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने तो हमें स्टेज से ही उतार दिया। ओह कहते जी, बट दैट्स नॉट नेसेसरली जस्ट पंजाब, इट कुड बी दैट वाज पंजाब, इट वाज ओनली एवर इन पंजाब, नोवेयर एल्स। और एक बार ही हम लोग थे नहीं, दिस आई हैव अ बीफ विद दिस पर्सन, ओके हाँ, मनाली में था एक लॉज जॉनसन्स कैफे, बहुत पॉपुलर, वहाँ की जो ओनर थी ना अ बिट कुकू, ओके, एंड वी वर परफॉर्मिंग एट दिस कैफे, एंड गाना गाते गाते उन्होंने, उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पीछे से प्लग ही निकाल दिया। व्हाई? Can you imagine that you're performing on stage और पीछे से उन्होंने बिजली बंद कर दी, पता नहीं, I don't know what had happened, but I got damn pissed off because that's very disrespectful to an artist. True. So I don't know till date what the issue was, but I think she was a bit like crazy. Okay. In her head. So I still have beef with that person. But ऐसी situation में मतलब ठीक है, of course. आर्टिस्ट हैं और हमारे एक डिग्निटी होती है, टॉकिंग अबाउट यू गाइस, बट कभी नहीं होता कि हमें तो हमेशा होता है कभी किया है नहीं इनिशियल टाइम में शिट हां ओके किया है लुधियाना, ओ मैन दैट सिटी इज अ टफ वन यार, लुधियाना इज अ टफ सिटी, ओके वहां पे तो मैंने जाके मारा एक बंदे को। वाओ या या व्हाट हैपेंड और कैसे मारा था? बिकॉज़ It was some like very random man. He was वो peanuts फेंक रहा था stage पे हमारी तरफ. Okay. तो maybe उनको music नहीं पसंद आया तो हम क्या करेंगे यार? तुम्हें किसने बोला था आने के लिए? Music सुन के आना चाहिए था तुम्हें. So उन्होंने peanuts फेंकने शुरू कर दिए. So I'm thinking ये हो क्या रहा है? कहाँ से गिर रहे हैं ये? सडनली मेरे पैरों के नीचे कच 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 हो रहा है सारा। सो आफ्टर अ टाइम, आफ्टर सम टाइम ना, आई वाज लाइक देन आई गॉट पिस्ड ऑफ यार। देन मैंने कहा अब आ जाए बंदा, कौन है ये मेरे को पता चले। मैंने उसको फेंकते हुए देख लिया,
गॉड ऑफ द स्टेज, मैंने माइक लिया, मारा उसके माइक से और क्या. व्हाट वाज योर रिएक्शन? ये तो अभी इनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है लाइफ में, अवेयरनेस कम है इनकी. वो ये तो अभी भी गा रहे थे, इनको पता नहीं पीनट्स फेंके जा रहे हैं.